आपने जैसे फीड की बात की, और इंटरेस्टिंगली मेरा अपना सब्जेक्ट जो मेरी पीएचडी जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन में और न्यूट्रिशन पोल्ट्री न्यूट्रिशन में। अच्छा, पोल्ट्री एक डे ओल्ड चिक ऐसा सेंसिटिव है, अगर उसको हम गंदी फीड या ऐसी को फीड देंगे जो जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो क्योंकि वो कंप्लीट फीड हम दे रहे हैं ना उसको, और उसने कोई पत्ते नहीं खाने, कोई और चीज़ नहीं खाने, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो राइट अवे इससे सो सेंसिटिव कि वो उसका उस पर इफ़ेक्ट आएगा, वो ग्रो नहीं करेगा बल्कि मोर्टेलिटी होने का ख़तरा होगा। तो पोल्ट्री की जो फीड है उसको हम ना सिर्फ प्रोटीन उसकी क्या देनी है बल्कि उसमें अमाइनो एसिड क्या है और फिर उसमें डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड क्या है, ठीक है उसको हाईली साइंटिफिक तरीके से उसको बैलेंस करते हैं, उसकी क्वालिटी है। और जो ग्रोथ है उसमें वो फीड की वजह से नहीं है, वो ग्रोथ उसका जेनेटिक पोटेंशियल है। अगर वही फीड हम देसी मुर्गी को देंगे, एक आपके पास देसी मुर्गी का चूज़ा है, एक ब्रॉयलर का चूज़ा है, तो वो उस फीड से कभी ग्रो नहीं करेगा उस स्पीड से जो ब्रॉयलर ग्रो करेगा, क्योंकि उसका जेनेटिक पोटेंशियल इतना है और वो जेनेटिक पोटेंशियल एक रिसर्च बेस है। ठीक है तो और